हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस। कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस। सेकेंड, हम इसी की हेल्प से इसी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने के बाद, अरेंज करने के बाद, हम इसी की हेल्प से निकालेंगे टू कंपेयर द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। कंपेयर द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। और थर्ड, हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। तो ये तीन टॉपिक आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं। पहला, कि अगर हमारे पास कुछ स्पेसीज या कोई एक इलेक्ट्रोड दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स दे रखे हैं, तो उस इलेक्ट्रोड में हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा स्पेसीज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन सा स्पेसीज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सेकेंड, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा मेटल पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कौन सा। थर्ड वन, कि कौन सा इलेक्ट्रोड यानी कौन सा मेटल एनोड की तरह काम करेगा और कौन सा मेटल कैथोड की तरह काम करेगा। तो ये तीन टॉपिक आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टार्ट करते हैं कहां से, फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले यानी क्वेश्चन को हैंडल करने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले, हम कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे। तो छोटे छोटे जो की पॉइंट्स, दो तीन की पॉइंट्स की बात करेंगे। वो दो तीन की पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं, अगर आप उसको मेमोराइज कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना, हैंडल करना, टैकल करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं उस की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो की पॉइंट्स में हम आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट की पॉइंट की बात करेंगे। तो हम पहले कुछ की पॉइंट्स की बात कर लें। की पॉइंट्स, तो हम पहले की पॉइंट्स की बात करते हैं, फर्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट की पॉइंट की बात करते हैं इफ एसआरपी मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। इफ एसआरपी ऑफ एन इलेक्ट्रोड If SRP of an electrode have more or larger or greater value, SRP of an electrode have greater value, then reduced form of it is more stable. जिस इलेक्ट्रोड का SRP जितना ज्यादा होगा, उस इलेक्ट्रोड का रिड्यूस्ड फॉर्म, उस स्पेसीज का रिड्यूस होते हैं ज्यादा, क्या होगा, स्टेबल होगा। एंड हेंस फास्टर इज द रिडक्शन प्रोसेस एंड देयरफोर द स्पेसीज ऑन द लेफ्ट साइड गेट्स रिड्यूस्ड क्विकली एंड acts as जितना जल्दी वो reduce होगा, it means उतना ज़्यादा powerful क्या होगा, वो oxidizing agent की तरह काम करेगा, and hence acts as a strong oxidizing agent and the species on the
right side, the species on the right side, species on the right side acts as, इसका जस्ट उल्टा हम बोल देंगे, इसका जस्ट उल्टा होगा, जो स्पेसिस राइट साइड में होगा वो हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, बीक रेड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग उल्टा बीक होगा, ऑक्सीडाइजिंग उल्टा क्या होगा, रेड्यूसिंग होगा, तो बीक रेड्यूसिंग ऐसे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट की पॉइंट, ये हमारा पहला की पॉइंट है, ठीक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रोड की जिनका इंपोर्टेशन किस टाइप का है, ई नॉट, सपोज लेट अस अज्यूम ए एक्स प्लस टू ए, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है, एक इलेक्ट्रोड को हमने रिप्रेजेंट किया है, जो क्या शो कर रहा है, जो शो कर रहा है रिडक्शन प्रोसेस को शो कर रहा है। रीजन, आप अगर यहां से यहां जाएंगे ये देखेंगे ये x प्लस, ये कौन से स्टेट में है, जीरो स्टेट में है, तो ये x प्लस से जीरो में गया है, सो दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, तो ये प्रोसेस क्या हमारा रिडक्शन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द और इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये SRP को रिप्रेजेंट कर रहा है, SRP ऑफ द इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड स्पीसीज और ये हो गया आपका राइट साइड स्पीसीज। जैसा हम यहां बात कर रहे थे कि लेफ्ट हैंड में जो रहेगा वो क्विकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जो राइट साइड में होगा, ये तो राइट साइड की बात कर रहे हैं, जो राइट साइड में होगा दैट विल एक्ट एज बीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ये हम अभी इन की पॉइंट्स के बाद क्वेश्चन के थ्रू हम डील करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट की पॉइंट, इसको नोट कर लेंगे, फिर आएंगे हम लोग सेकंड की पॉइंट की तरफ आएंगे। सेकंड की पॉइंट में हम ये देखेंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी का मतलब होता क्या है, मेटल की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो वो रिएक्टिविटी जो है किस चीज को रेफर करता है, ठीक है। तो अब आते हैं सेकंड की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट की पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेंगे इसको, सेकंड की पॉइंट की तरफ आएंगे। तो सेकंड की पॉइंट होता है जो हम डील करेंगे किसके साथ, जो हम डील करेंगे विद द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, ठीक है। तो ये अगर हम देखते हैं रिएक्टिविटी को, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल refers to the tendency to lose electron, क्या refer करता है ये, electron को lose करने की tendency कितना ज्यादा है, ठीक है। इट मींस कि ये है higher is the tendency to lose the electron, electron lose करने की tendency ज्यादा है, electron losing tendency अगर ज्यादा है तो मेटल की जो रिएक्टिविटी है, मेटल रिएक्टिविटी विल बी हायर, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेटल रिएक्टिव होगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी का मतलब है खुद को ऑक्सीडाइज करना, इट मींस कि टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करना, और अपने आप को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है दूसरों को क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, इट मींस रिड्यूसेस अदर्स। तो ये हमारा सेकंड की पॉइंट है, ये हमारा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड की पॉइंट की बात करते हैं, तो थर्ड की पॉइंट क्या होगा, थर्ड की पॉइंट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, या अगर हम पूरा लिख के चलते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं, ये एक ऐसा एजेंट है जो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या हो जाएगा, गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ इजिली एंड क्विकली, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या, एक ऐसा एजेंट है जो दूसरों को क्या करेगा,
रिड्यूस सॉरी एक ऐसा एजेंट है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डज नॉट गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ क्विकली, ये खुद को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। और उसका नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को अगर देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा एजेंट है जो दूसरों को क्या करेगा, बहुत तेजी से क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा। तो अगर बहुत तेजी से रिड्यूस कर रहा है तो खुद को क्या करेगा, दूसरों को तो बहुत तेजी से रिड्यूस कर दिया, खुद को क्या करेगा, तो खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड क्विकली, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ क्विकली, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ क्विकली। और अगर खुद को बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब वो होगा मोर रिएक्टिव, वो होगा मोर रिएक्टिव, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा है कि जो जितना जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा खुद को, जो जितना जल्दी खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो उतना जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उतना ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इट मींस दूसरों को रिड्यूस फास्ट कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज जल्दी करेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और मोर रिएक्टिव है, खुद को ऑक्सीडाइज जल्दी करेगा मतलब ये क्या बनेगा, हमारा एनोड टर्मिनल बनेगा, ये क्या बनेगा, एनोड बनेगा, क्योंकि एनोड पे होता क्या है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, डज नॉट, इसका जस्ट उल्टा, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को बहुत जल्दी रिड्यूस कर रहा था तो खुद को उतना जल्दी ऑक्सीडाइज कर लिया, ये क्या है, दूसरों को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है दूसरों को रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो खुद को ऑक्सीडाइज भी नहीं कर पाएगा, does not oxidize itself quickly, so this will be, अगर खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पा रहा है तो यह हो जाएगा लेस रिएक्टिव, ये हो जाएगा दिस विल बी लेस रिएक्टिव। और अगर लेस रिएक्टिव है इट मींस खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, इससे पहले कोई और ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो पहले ऑक्सीडाइज हो रहा है वही क्या बनता है हमारा एनोड, और जो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड, उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो ये सारे की पॉइंट्स पहले अगर हम ध्यान में रखें, छोटे-छोटे की पॉइंट्स की अगर बात करें ध्यान में रखें तो हमारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, कौन एनोड बनेगा, कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, कौन कैथोड बनेगा, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कौन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे क्वेश्चन हम इन की पॉइंट्स के बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी की पॉइंट्स नोट करने के बाद अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन की तरफ, इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम नोट करेंगे, लिखेंगे, सपोज पहले बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो सपोज हमको दे रखा है, हमारे पास दो स्पेसीज है, हमारे पास एक दे रखा है E नॉट ऑफ Zn 2 प्लस 2 Zn इक्वल्स टू माइनस 0.76 वोल्ट, और दूसरा दे रखा है E नॉट Fe 2 प्लस 2 Fe, E नॉट Fe 2 प्लस 2 Fe फेरस टू आयरन, ये रिडक्शन ऑफ प्लस 2 से 0, ये दे रखा है माइनस 0.44 वोल्ट, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड का, दोनों हाफ सेल या बोल सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोड का हमको एसआरपी दे रखा है, कारण क्योंकि यहां भी हो रहा है रिडक्शन, प्लस टू से कहां जा रहा है जीरो, प्लस टू से कहां जा रहा है जीरो, सो दीज टू आर द एसआरपी, ये दोनों क्या दे रखे हैं, एसआरपी दे रखा है। और हमसे पूछा है कि कौन होगा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होगा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, और कौन बनेगा एनोड टर्मिनल, कौन सा मेटल काम करेगा एनोड की तरह, कौन सा मेटल काम करेगा कैथोड की तरह, ठीक है। तो अब इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको हम हटा देते हैं, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है वो हम देख लेते हैं, इसके ऊपर इन दोनों एसआरपी वैल्यू के बेसिस के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है ये हम चेक कर लेते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच स्पेसीज इज
Yeah, which species have more oxidizing power? More oxidizing power. Dusra, which species have more reducing power? Which species have more reducing power? Tisra, which metal is more reactive? कौन सा metal ज्यादा reactive है? ठीक है, चौथा पूछा है identify the anode terminal and cathode terminal. Identify the anode terminal and cathode terminal. तो चार टाइप के क्वेश्चन जो arise हो रहे हैं यहाँ पे. पहला कि इन चारों में से Zn2+ Zn Fe2+ और Fe, इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर को शो करेगा, दोनों में से जिंक और आयरन में से कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जिंक और आयरन में से कौन बनेगा एनोड, कौन बनेगा कैथोड. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये पहले इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे, और इन क्वेश्चंस को नोट करने के बाद हम उसी की पॉइंट का यूज करते हुए, उसी के एप्लीकेशन करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे. तो अगर मान लीजिए की पॉइंट्स हमको याद नहीं है, या मान लीजिए की पॉइंट्स हमको समझ नहीं आया, तो एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, तो भी आपको बिल्कुल ईजी तरीके से समझ आ जाएगा और क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अब इन क्वेश्चंस को मिटा देते हैं और इसके सॉल्यूशन को बनाना स्टार्ट करते हैं. चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं पहले रिलेटिवली कंपेयर कर लेते हैं कि किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू कम है, और हम इसको एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं. तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं किस बेसिस पे, तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू पे, रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू पे हम इनको इंक्रीजिंग सीक्वेंस में अरेंज कर लेते हैं. तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, एक काम करें यहां पे लिख लेते हैं on expression according to increasing SRP. So according to increasing value of SRP, according to increasing value of SRP, हम यहाँ लिख लेते हैं E naught Zn 2 plus 2 Zn equals to, this is -0.76 वोल्ट, ये वैल्यू कम था, इससे ज्यादा जो वैल्यू होगा उसको हम नीचे लिखते चले जाएंगे. तो एक इंक्रीजिंग, सबसे पहले ध्यान देना क्वेश्चन का जो अप्रोच है, हम स्टार्ट कहां से करेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम उसको एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में उसको हम सजा लें. ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या दे रखा है, ई नॉट, सेकंड दे रखा है ई नॉट, किसका दे रखा है, सेकंड दे रखा है एफ ई टू प्लस टू एफ ई, ये वैल्यू कितना दे रखा है, जैसे इस -0.44 वोल्ट, हमको इसी में रिलेटिवली कंपेयर करना है. ठीक है, चलिए अब इसमें देख लें कि दोनों के एसआरपी वैल्यू में से किसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो देखेंगे नेगेटिव में वैल्यू ये कम है, यानी कि ये वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा. ठीक है, तो इन दोनों को रिलेटिवली कंपेयर करेंगे, तो यहां पे ये देख लें ये वैल्यू क्या है, दिस इज हायर वैल्यू और लार्जर वैल्यू, दिस इज लार्जर एसआरपी वैल्यू and this is a smaller SRP value. ये है larger SRP, ये है smaller SRP. ठीक है, चलिए हमने अभी पढ़ा है कि जिसका SRP value जितना ज्यादा होता है उसका reduced form उतना ही ज्यादा stable होता है. जिस electrode का SRP value जितना ज्यादा होता है उसमें reduced form उतना ज्यादा stable होता है. तो ये process जो है, यहां पे रिडक्शन क्या होगा, फास्ट, यहां का रिडक्शन क्या होगा, फास्ट होगा. क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला कि जिसका एसआरपी इतना ज्यादा होता है उसका रिडक्शन उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है. सो दिस विल बी मोर स्टेबल सो द रिडक्शन विल बी फास्ट. तो अगर रिडक्शन फास्ट है तो ये क्या होगा, ये हो रहा है रिड्यूसेस क्विकली. तो
तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, क्विकली रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों है ज्यादा स्टेबल? रिड्यूस्ड फ्रॉम ज्यादा स्टेबल, ये रिड्यूस फ्रॉम ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि एसआरपीएस का ज्यादा है, तो रिड्यूस फ्रॉम ज्यादा स्टेबल है। रिड्यूस फ्रॉम ज्यादा स्टेबल है तो रिडक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। रिडक्शन बहुत फास्ट होगा मतलब ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूसेस क्विकली। अगर ये खुद को बहुत तेजी से रिड्यूस कर रहा है मतलब दूसरों को बहुत तेजी से क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजेस अदर्स क्विकली, ऑक्सीडाइजेस अदर्स क्विकली। यानी कि दिस विल एक्ट एज, अगर ये खुद को बहुत तेजी से रिड्यूस किया है तो दूसरों को बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब कि दिस विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। फिर आते हैं इधर सामने वाले को, हमने क्या बोला था की पॉइंट में, क्या बोला था कि लेफ्ट पोर्शन वाला पार्ट जो है वो बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज अगर बहुत तेजी से होगा, सॉरी रिड्यूस बहुत तेजी से होगा, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज भी बहुत तेजी से करेगा। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज बहुत तेजी से करेगा मतलब कैसा काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसका ठीक उल्टा कौन होगा, राइट हैंड साइड वाला, तो राइट हैंड साइड वाला कैसा काम करेगा, दिस विल बी जस्ट अपोजिट। स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या होगा, वीक, और ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा क्या होगा, रिड्यूसिंग। सो दिस विल बी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक। चलिए अब चलते हैं उस वैल्यू की तरफ जिसका एसआरपी वैल्यू क्या है, कम है, छोटा है, ठीक है। चलिए तो इसका एसआरपी वैल्यू क्या है, छोटा है, मतलब ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म है, दिस विल बी लेस स्टेबल, क्योंकि इसका एसआरपी वैल्यू कम है, इस इलेक्ट्रोड का एसआरपी वैल्यू कम है, इसकी तुलना में ये वैल्यू कम है, इसलिए इसमें रिडक्शन जो है, रिड्यूस्ड पार्ट जो है वो कम स्टेबल होगा। तो मतलब ये प्रोसेस जो, ये रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्लो। तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लो होगा, यहाँ का रिडक्शन फास्ट था, यहाँ का रिडक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो अगर यहाँ का रिडक्शन स्लो हो रहा है, तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, डज नॉट ऑक्सीडाइजेस क्विकली, दूसरों को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो यानी कि ये कैसा काम करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है तो ये कैसा काम करेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सामने वाला क्या होता है, राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, वीक का उल्टा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा क्या होता है, रिड्यूसिंग। और एजेंट हम यहां से अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। तो हमने चारों स्पीशीज की आइडेंटिटी को फाइंड कर लिया कि Fe2+ जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Zn2+ जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिंक जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, दूसरों को रिड्यूस बहुत फास्ट करेगा, तो अपने आप को ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ क्विकली। तो अगर अपने आप को बहुत तेज से ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी हाई, क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है बहुत तेजी से, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी अधिक है, यानी कि मोर है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, तो रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा। और रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब ये क्या बनेगा, एनोड, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा, ठीक है। ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, डज नॉट ऑक्सीडाइजेस क्विकली, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या है इसकी कम है, मतलब रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी इसकी, रिएक्टिविटी भी इसकी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी अगर कम है मतलब ये क्या बनेगा, कैथोड। तो ये सारा आंसर हमारे पास है, ठीक है। अब अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो समराइज कर लेते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, दिस विल बी, यहां चेक कर ले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, यहां पे Fe2+, so Fe2+ will be strongest oxidizing agent, strongest reducing agent कौन है, यहाँ से हम लिख लेंगे strongest reducing agent कौन है, this is zinc, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, zinc होगा।
ठीक है। उसके बाद अगर पूछता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हमसे पूछा जाए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देख लेंगे कि जिंक जो है वो अपने आप को तेजी से ऑक्सीडाइज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से लूज करने, इलेक्ट्रॉन जो है लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से हम रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, जिंक के लिए मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। और अगर बात करते हैं किसकी, एनोड की बात करते हैं, तो एनोड कौन बनेगा हमारा यहाँ पे, एनोड विल बी जिंक, और कैथोड कौन बनेगा, कैथोड विल बी कॉपर। कैथोड कौन बनेगा यहाँ पे, कॉपर बनेगा। तो ये हमारे सारे आंसर हो गए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, एक और रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेकर चलेंगे, एक इस बार एक कॉपर इलेक्ट्रोड लेकर चलते हैं और एक सिल्वर इलेक्ट्रोड लेकर चलते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, नोट करेंगे इसको। अब हम दो इलेक्ट्रोड्स और लेके चलते हैं। इस बार का क्वेश्चन जो है वो है ई नॉट, ई नॉट सी यू टू प्लस टू सी यू, ये है प्लस 0.34 वोल्ट, ये वैल्यू जो है वो दिया गया है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रोड दे रखा है वो है Ag plus 2 Ag, it means again this is a kind of reduction potential, ये फिर से कौन सा वैल्यू दे रखा है, reduction potential जो कितना है 0.80 volt, ठीक है। आपको इसमें identify करना है कि कौन जो है strong oxidizing agent है, कौन strong reducing agent है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर और सिल्वर में से कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा, एनोड कौन बनेगा, कॉपर बनेगा या सिल्वर बनेगा, और कैथोड कौन बनेगा, कॉपर बनेगा या सिल्वर बनेगा, ठीक है। तो अब हम इसको बहुत तेजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे देखते हैं, इसको हम बहुत इजीली बहुत फास्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन फैक्टर्स को, ठीक है। तो फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, ई नॉट सी यू टू प्लस टू सी यू, this is plus 0.34 volt, and second E naught Ag plus 2 Ag, this is plus 0.80 volt, ये value क्या है, higher value, this is higher value, ये value ज्यादा है, और ये value क्या है, this is lesser value, this is lesser value or lower value, so this is lesser value, this is higher value, ये वैल्यू ज्यादा है, मतलब इस इलेक्ट्रोड का SRP ज्यादा है, मतलब कि रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा, दिस विल बी मोर स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है प्रोसेस, ये क्या हो जाएगा, फास्ट, मतलब ये क्या होगा, ये होगा रिड्यूसेस इटसेल्फ इजीली, अपने आप को बहुत तेजी से रिड्यूस कर लिया, क्योंकि आगे जाकर क्या हो रहा है, वो स्टेबल हो रहा है। इट मींस अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है बहुत इजीली, मतलब ऑक्सीडाइजेस अदर्स क्विकली, तो अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है बहुत तेजी से, मतलब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, क्या बोला, इसे जस्ट क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, स्ट्रॉन्ग उल्टा क्या हो जाएगा, वीक, ऑक्सीडाइजिंग उल्टा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग, और एजेंट लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं ऊपर की तरफ, चूंकि ये लेसर वैल्यू है, सो दिस विल बी लेस स्टेबल, सो दिस प्रोसेस विल बी वेरी स्लो, चूंकि इसका वैल्यू कम है, रिड्यूस तो हम क्या होगा कम स्टेबल होगा रिडक्शन क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा इट मींस यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि रिडक्शन इज स्लो यानी कि डज नॉट रिड्यूस इट्सेल्फ, तो अगर ये खुद को रिड्यूस नहीं कर रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज भी नहीं करेगा, सो इट डज नॉट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, so this will act as weak oxidizing agent, तो कैसा काम करेगा, weak oxidizing agent की तरह। तो सामने वाला क्या है, इसका क्या बोला गया, just उल्टा कर दे, weak का उल्टा क्या होता है, strong, oxidizing का उल्टा क्या होता है, reducing, और agent हमने ये लिख दिया, ठीक है। चलिए अब सारे आंसर की तरफ आ जाते हैं, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा हमारा,
फर्स्ट हम अगर देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो हायर ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो लेस ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, Ag+ प्लस का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू CO2+। सेकंड रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं, अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं तो रिड्यूसिंग पावर किसके आधार किसका कम होगा, तो देख लेंगे यहां पे, दिस इज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, सो विल हैव अ स्ट्रांग या विल हैव हायर रिड्यूसिंग पावर, सो कॉपर है हायर रिड्यूसिंग पावर एज कंपेयर टू सिल्वर। तीसरा थर्ड बात करते हैं किसकी, एनोड कैथोड और फिर रिएक्टिविटी की, तो कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए चूंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेस दूसरों को तो बहुत तेजी से रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ फर्स्ट, तो ये अपने आपको पहले ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है। मतलब एनोड कौन बनेगा, एनोड कौन बनेगा, कॉपर, ठीक। कैथोड कौन बनेगा, तो यहां देख लें क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो चुका है पहले और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये वीक रिड्यूसिंग होने के कारण डज नॉट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, ये खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इट मींस करेगा क्या, रिड्यूसेज इटसेल्फ, ये खुद को क्या करेगा, रिड्यूस कर लेगा। इट मींस कैथोड कौन बनेगा यहां पे, दिस विल बी सिल्वर। फिर बात करते हैं हम किसकी, रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो भाई रिएक्टिव का सिंपल सा मतलब है जो पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए, जो पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर दे यानी पहले ऑक्सीडाइज हो जाए वही क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव। सो ये पहले ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। सो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिल्वर, क्योंकि कॉपर का जो टेंडेंसी है वो दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो खुद जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसके सामने सिल्वर क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन में हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसके कुछ और अच्छे एप्लीकेशंस, मतलब कि एक साथ अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ दो इलेक्ट्रोड कंपेयर किया, हमने सिर्फ अभी दो इलेक्ट्रोड कंपैरिजन किया है, नेक्स्ट सेशन में हम मोर देन दो मतलब तीन या चार पांच इलेक्ट्रोड एक साथ लिखेंगे, चार पांच इलेक्ट्रोड का एसआरपी एक साथ लिखेंगे और उनके वैल्यूज कंपेयर करके हम ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर, एनोड, कैथोड एंड रिएक्टिविटी, इन सबको हम अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।